हेलो फ्रेंड्स, राहुल एक्सपेरिमेंट लैब में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं टैप हमने आज बहुत ही शानदार एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा वर्क भी कर रहा है। ये आज हमने इन्वर्टर बल्ब बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, ये कोई इन्वर्टर नहीं है, जैसे इन्वर्टर बल्ब होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारी लाइट चल जाती है उस टाइप से, फिर लाइट चल जाती है तो हमारे पास उजाला नहीं होता, तो हम इस इन्वर्टर बल्ब का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, और देखिए यहाँ पर हमने एक बॉक्स टाइप का बनाया, इसके अंदर ही हमारा बैटरी है। फ्रेंड्स, और जी हमने खाली बल्ब के लिए बनाया है, इन्वर्टर बल्ब कह सकते हैं। इसको एक बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फ्रेंड, तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम, तो फ्रेंड्स इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपने कोई सा भी एक पुराना LED बल्ब ले लेना है जो खराब होगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस टाइप से खराब होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से खराब है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इस टाइप से। और देखिए इस शानदार LED बल्ब को हमने, इन्वर्टर बल्ब को बनाने के लिए हमने इस चीज़ की ज़रूरत होगी, इस टाइप के खाली खराब बल्ब की होगी। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, और आपको सबसे पहले इस टाइप के एक 4 वोल्टेज की LED लेनी होगी। दो हमने इस टाइप के LED लिए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ आपको हमने टेप से वायर लगा दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप इस टाइप से। और देखिए इसको हम यहाँ पर इस टाइप से फिक्स करेंगे, देख सकते हैं बहुत अच्छा ये वर्क करेगा। फ्रेंड, इस टाइप से हमको यहाँ पे कुछ स्टेप से फिक्स कर देना होगा इसको, देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ से हमने वायर को यहाँ पे को लगा देना होगा इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, और देखिए इस टाइप से जो हमारी LED है फ्रेंड्स, अगर आप इस LED को यूज़ नहीं करना चाहते हैं, इन्वर्टर बल्ब नहीं बनाना चाहते, खाली इसको ही बल्ब को ही सही करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको एक DO भी आती है। फ्रेंड्स, आप 7 वाट की ले सकते हैं, 9 वाट की ले सकते हैं। फ्रेंड्स, एक DO भी आपको 5 रुपये की मिल जाती है। फ्रेंड्स, 5 से 7 रुपये की मिल जाती है। फ्रेंड्स, जो हमारी 7 वाट वाली होती है वो आपको 7 रुपये में मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप उससे कम की लेंगे तो और सस्ती पड़ जाएगी। और यहाँ पर आप DO भी लगा सकते हैं, हम इसको इन्वर्टर बल्ब बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 वोल्टेज की LED चूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स, देखिए अगर आप DO भी लगाते हैं तो फिर आपको कोई से भी सर्किट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हम इसको लगा रहे हैं तो हमको एक 5 वोल्टेज की चार्जर की या 4 वोल्टेज चार्जर की हमको ज़रूरत होगी। फ्रेंड्स, और देखिए, और बहुत से लोग कहेंगे हमारे पास तो इस टाइप का ख़राब बल्ब है ही नहीं। फ्रेंड्स, अब अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी बगल में ले सकते हैं, अगर आपके पास किसके पास पड़ोस में है तो ख़राब बल्ब आप उनसे ले सकते हैं, या कबाड़ी के पास से आपको मिल जाएगा, या जहाँ पे बल्ब रिपेयर होते हैं वहाँ पे भी आपको ईजिली मिल जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही सस्ता और चीप रेट में आपको फ्री में दे देंगे, उनके कुछ काम करनी होता है। इस टाइप से आप ला सकते हैं, या आपके घर में भी हो सकता है, या आप इन्वर्टर बल्ब भी बनाना चाहते हैं तो उसी जो आपके घर में बल्ब होते हैं उसको ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन्वर्टर बल्ब में। फ्रेंड्स, तो बस देखिए इधर से हमको इधर पे से हल्के से ये जो सोल्डिंग लगी हुई है इसको हमने हटा लेना होगा, इसको हम गैस पर हीट करके हटाएंगे। फ्रेंड्स, देख सकते हैं, तो फ्रेंड देखिए यहाँ से हमने इस टाइप से सोल्डिंग हटा लिया और यहाँ पर को 2 होल कर लिए हैं। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पर कोई गर्म हुआ है, तो अब हमको यहाँ से इस टाइप से इन वायरों को निकाल लेना होगा। फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से, तो फ्रेंड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम हल्का से इस टाइप से पतला कर, तो फ्रेंड देखिए इस टाइप से हमको यहाँ पर हल्का से इसमें गांठ लगा के यहाँ से इस टाइप से निकाल देना होगा। देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ से हमारा आ चुका है, देख सकते हैं आप, इसको हमने इस टाइप से हल्का सा बेंड कर देना होगा। यहाँ से हमको वापस से इस टाइप से पहले होता है जिस टाइप से सोल्डिंग होती है उस टाइप से कर देनी होगी। तो फ्रेंड्स, इसको पीछे से हमने सोल्डिंग हटाने में बहुत मेहनत लगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास सोल्डिंग आयरन नहीं है, इसलिए हमें बहुत मेहनत लगी है और सोल्डिंग करने में हमें बहुत मेहनत लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से यहाँ को हमने फिट कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन हमसे यहाँ पर कोई गड़बड़ हो गई है फ्रेंड्स, जो हमने यहाँ पर इसकी हीट सिंक होती है। फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से इसको हम लगाना भूल गए, हमने यहाँ पर सोल्डिंग कर दी बड़ी मुश्किल से। फ्रेंड्स, अब बहुत से लोग कहेंगे निकाल के फिर से कर सकते थे, लेकिन हमको इतना करने में बहुत मेहनत लगी फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे पास सोल्डिंग नहीं है, मैंने आपसे पहले भी कहा। तो अब हमको इसी टाइप से हमको लगा देना होगा, लेकिन आपको ये हीट सिंक जरूर से लगानी होगी फ्रेंड्स, वरना आपकी LED ख़राब हो सकती है। ख़राब तो नहीं होती फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा अगर देर तक आप लगा दें तो गर्म हो जाती है। हीट सिंक लगाने से क्या होता है कि आपकी LED उतनी गर्म नहीं हो पाती और ठंडी ही रहती है। फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से यहाँ पे को आ जाएगा, और यहाँ पे को हमने थोड़ी थोड़ी बूंद फेविक्विक की डाल देनी होगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमने यहाँ पे को फेविक्विक की बूंदें डाल दी हैं, जिससे क्या होगा ये एक ही जगह पे हिलेगा। और देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें DO भी नहीं लगाया, तो आप डायरेक्ट
इस टाइप के जो हमारे यहाँ पे होल्डर होते हैं इनमें मत लगा दीजिएगा, फिर बैटरी ये जो हमने LED लगाई है ख़राब हो जाएगी फ्रेंड, क्योंकि हमने इसमें 4 वाट की LED लगाई है और ये 7 वाट का होता है फ्रेंड्स, जो हमारी ये AC करंट आता है 200 वाट की होती है, इसलिए इसमें मत लगाइएगा। इसके लिए अभी हम जुगाड़ बनाने वाले हैं आपको इसको किस टाइप से चलाना है फ्रेंड्स। ये पूरा इन्वर्टर बल्ब है, अगर आप जिसमें हम एक बॉक्स टाइप का बनाने वाले हैं अगर वो नहीं बनाना चाहते तो आप यहीं पे एक बैटरी फिट कर दीजिए, जिससे बहुत अच्छा काम करेगा। और आप यहाँ पे DOB भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जब आप उसको बल्ब में लगाएंगे तो हमारी वाली लाइट जलेगी, जैसे ही लाइट जाएगी तो ये ऑटोमेटिक चल जाएगी, क्योंकि इसमें जैसे लाइट जाएगी इसमें बैटरी होगी और बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और इसको भी जला देगी फैन। तो फैन देखिए इस टाइप से हम इसको लगा देंगे, देखिए बहुत ही अच्छा ये वर्क करने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रोजेक्टर बनाने के लिए हम इस टाइप के कार्डबोर्ड का यूज़ करने वाले हैं, देख सकते हैं इस टाइप से। देखिए इस टाइप से हमने 2 कार्डबोर्ड ले लिए होंगे, देखिए इस टाइप से हम ले ले रहे हैं और बाकी को हम लग देते हैं साइड में और इसकी हम कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप से हमने टुकड़े कट कर लिए हैं फ्रेंड, देख सकते हैं। अब हमको इसका एक बॉक्स बनाना होगा फ्रेंड, बॉक्स बनाना तो सबको ही आता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसलिए मैं बॉक्स बनाना नहीं दिखा रहा हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप से हमारा बॉक्स बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही शानदार इसकी लुक आ रही है फ्रेंड। अब देखिए जो हमारा ऊपर का है ये वाला कैप हमने अभी नहीं लगाना होगा, देखिए इसमें हम पहले कुछ काम करने वाले हैं। इस टाइप से हमको एक होल्डर को इसमें अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स होल्डर लगाने से पहले आपको यहाँ पे कुछ 2 मार्किंग कर लेनी होगी इस टाइप से, जहाँ पे हम थोड़े से स्क्रू लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास PVC प्लास्टिक या MDF बोल्ट है तो आप उसमें बनाइएगा, वो बहुत अच्छा मजबूत रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए हम यहाँ पे कुछ इस टाइप के स्क्रू यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपको जहाँ पे होल्डर मिलेगा वहीं पे इसी में स्क्रू मिल जाएंगे फ्रेंड्स। हमारे पास ये पुराना ख़राब होल्डर था, इसको हमने यहाँ से फेविक्विक से लगा के सही करा हुआ है। देखिए इस टाइप से ही हमको स्क्रू जो हमने एक्सटेंशन बोल्ट बनाया था उसकी बोल्ट में हमको स्क्रू मिलते थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड इसको हम यहाँ पे कस लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पे स्क्रू से इसको टाइट कर लिया, देख सकते हैं आप। और देखिए इसको हमको यहाँ पर फिट करना होगा, उससे पहले हमको यहाँ पर एक बैटरी फिट करनी होगी और एक यहाँ पर हमने स्पेसिटी स्विच के लिए यहाँ पर हमने होल्ड कर लेना होगा। देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर छोटी वाली बैटरी का यूज़ कर रहे हैं जो हमको ब्लूटूथ स्पीकर के अंदर मिली थी फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ पर ज्वाइंट कर देते हैं इस टाइप से। आपको नेगेटिव पॉजिटिव का इधर पे बहुत ध्यान देना होगा फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से हम टेपिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमने टेपिंग कर दी है फ्रेंड्स, और देखिए इसको हम इस टाइप से अंदर डाल देते हैं, देखिए इस टाइप से हमने इसको अंदर डाल दिया और ज़्यादा कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर इसको चिपका देना होगा हमने इस टाइप से। तो फ्रेंड देखिए इस टाइप से हमने बॉक्स कंप्लीट कर लिया है, और देखिए अब आपको हम यहाँ पर बल्ब लगाते हैं फ्रेंड्स इस टाइप से। देखिए फ्रेंड्स तो फ्रेंड देखिए बहुत ही अच्छा है, उजाला कर रहा है बल्ब फ्रेंड, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप नीचे देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा उजाला कर रहा है। देखिए जैसे हम यहाँ से निकालते हैं इसको, देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, उजाला कर दे रहा है। देखिए फ्रेंड्स चार से मैं इसको निकाल रहा हूँ और जैसे मैं लगाता हूँ ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स और कहीं से हमारे कनेक्शन नहीं आ रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरा, देखिए मैं आपको अच्छे तरीके से दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स और कहीं से मैं इसमें कनेक्शन नहीं दे रहा हूँ, पावर नहीं दे रहा हूँ, फिर भी बहुत ही अच्छा है वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। देखिए अब मैं आपको इसके अच्छे तरीके से टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा हो चुका है, देख सकते हैं आप, जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ फ्रेंड, देखिए देखिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स कितनी ब्राइट इसकी रोशनी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा है उजाला कर रहा है। देखिए इस टाइप से देख सकते हैं, और मैं इससे कहीं से पावर नहीं दे रहा हूँ, कहीं से सप्लाई नहीं दे रहा हूँ फ्रेंड, देखिए इस टाइप से यहीं भी कोई बहुत ही अच्छा उजाला कर दे रहा है इस टाइप से, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, देखिए फ्रेंड थोड़ा सा ही हिल गया था, देखिए इस टाइप से देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ी सी हमारे स्विच में प्रॉब्लम है, देखिए इस टाइप से देखिए, देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छा ये वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स अभी थोड़ी सी कैमरा की लाइट भी ऑन कर दिया हमने, देखिए
सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला प्रोजेक्ट अच्छा लगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। फ्रेंड तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, मैंने आपको उसकी टेस्टिंग भी करके दिखाई थी ना। थोड़ा सा हमारे स्विच में प्रॉब्लम है, देखिए फ्रेंड ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है और बहुत ही शानदार वर्क कर रहा है। कैमरा मैं इतना ही फोकस नहीं कर पाया था फ्रेंड्स, कैमरा में पूरा साफ नहीं आता है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।